निकाओ, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन, धन्यवाद। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मंदिर में आ पाया। शरीर जो है ये हमारे बस में नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज प्रभुपद कृपा से कुछ शक्ति मिली तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा आज जाऊंगा मैं मंगल आरती। तो प्रभुपद कृपा से मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ। आप कृपया, आप सब यहाँ बैठे हुए मंदिर में माताएं, भक्त, बच्चे, छोटे बड़े सारे, कृपया बड़े ध्यान से सुनिए। आवाज़ आपको ठीक आ रही है? नहीं तो माताओं आपको सबको ठीक आ रही है आवाज? ये आगे कौन सी माता बैठी है? हरी बोल, ये आगे सबसे आगे किसकी? अच्छा ठीक। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन क्या है जो इन महापुरुष ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है, इसको समझने का प्रयास करो। और अगर हमारी समझ में आ जाता है तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इंटरनेट में सुनने वाले भी सब इसका प्रयास करो। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है इसका एक ही उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति। अपना ये जो संसार है, शरीरों का जो परिवर्तन है, जो जन्म मरण का चक्र है, इसको समाप्त करना। इसको कृपया सभी ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग संसार में खोए हुए हैं। बच्चे बचपने में खोए हैं, बड़े लोग विषय विकार में खोए हैं, हैं कोई घर परिवार में खोया हुआ है, सब खोए हुए हैं और हम इस बात को भूल जाते हैं। इस बात को भूला, अगर हमने भुला दिया, इस बात को जीवन में धारण नहीं किया, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। मैं कई बार कहता हूँ, फिर कह देता हूँ, प्रभुपाद कृपा से बड़ी गलती यह है कि जब हमें परीक्षा में बैठना पड़ेगा तो हम फेल हो जाएंगे। परीक्षा है संसार से जाने की। अभी देखो एक बड़ा उसका उदाहरण है, बच्चे। बच्चे जो हैं उनमें बचपना है, बचपना है और वो पढ़ना नहीं चाहते, बचपना है। ऐसे दो बच्चों का उदाहरण कई बार दिया, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं। दो बच्चे, एक बड़ा मेहनती, कुछ बच्चे बड़े मेहनती होते हैं। यही एक गांव का बच्चा था, नेत्र प्रकाश उसका नाम, वो बेचारा चल के आता था पढ़ने के लिए और उसने जेएनके में टॉप किया। बड़ी पुरानी बात है, फिर मैं उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल कराने मध्य प्रदेश गया था। आज वो रिटायर ब्रिगेडियर आर्मी से। कोई बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, कोई नहीं होते। तो दो बच्चे, एक बड़ा मेहनती है, एक मेहनती नहीं है। जो मेहनती बच्चा है वो भी परीक्षा में बैठता है, जिसने मेहनत नहीं की और जो ऐसे ही डंडे बजाता रहा, खेल कूद में लगा रहा, गुल्ली डंडा खेलता रहा, खेल में ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई की नहीं, वो भी परीक्षा में बैठा। परीक्षा में जब बैठा तो जिसने तो की थी भाई मेहनत, उसने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, वो हो गया पास। और जिसने मेहनत नहीं की थी, क्या प्रश्नों के उत्तर देता वो फेल हो गया। अब जब फेल हो गया, अभी उसको लगा फेल होने वाले को, हो मैं भी, मेरा साथी तो अगली कक्षा में चला गया, मैं इसी में रह गया। अभी वो रोने लगा, रोने लगा। तो बच्चे हैं, बचपना है, अक्ल नहीं होती बचपने में। और जैसे बच्चे में बचपना है ना, हम में अविद्या है, अज्ञानता, चाहे स्त्री चाहे पुरुष,
चाहे गोरा चाहे काला, अमीर गरीब, जब तक हम भक्त नहीं बनते ना, जब तक हमारे अंदर सोई हुई भक्ति जागृत नहीं होती, हम अविद्या में रहते हैं, हम ठीक तरह से नहीं समझ सकते। अब कई आदमी ऐसे हैं अपनी जीविका चलाते हैं लोगों को मार करके, ऐसे भी हैं, अविद्या में है, वो भक्त नहीं है। तो हम सब अविद्या में, इस बात को भी याद रखो, हम अविद्या में हैं और हम नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी प्रकार ये जो बच्चा पढ़ा नहीं बचपने में होने के कारण, पढ़ाई नहीं की तो फेल हो गया, अभी उसने रोना शुरू कर दिया, पर मेरा साथी आगे चला गया, तो वो जो फेल पास करने वाला था वो पास में से गुजरा और ये बच्चा रो रहा है, लंबे लंबी सांस लेकर रो रहा है। इस बच्चे ने उसको देखा, फेल पास करने वाले को, उसको जब देखा तो क्या कहता है बच्चा कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। बचपन है, नंबर ऐसे ही दे देता उसको कि भाई तेरे पास, तू तेरे हाथ में कलम चलाना था, मेरे को नंबर दे देता मैं पास हो जाता। तो वो जो एग्जामिनर था उसने उस बच्चे को देखा, वो जानता था ये फेल हो गया, इसने पढ़ाई तो कुछ की ही नहीं थी। वो उसको तुरंत जवाब देता है, फेल पास करने वाला कहता है, पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। अगर हम जीवन काल में मेहनत नहीं करते, अभी मौका है हमारे पास, तो भैया परीक्षा में फेल हो जाएंगे। और वो ऐसा फेल होना है जो किसी के ध्यान में नहीं है, कैसा फेल होना भाई, आवागमन में 84 के चक्कर में है, माँ के गर्भ में पुनः पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, करोड़ों साल लग जाएंगे शरीर में आने के लिए फिर से, बहुत बड़ा घाटा है। शास्त्र, प्रभुपाद जी जैसे संत, भगवान वेद व्यास, शिला सुखदेव महाराज सब समझाते हैं, जिन्हें अनुभव है। अब जैसे अनुभव की बात हम बता रहे हैं, माँ बाप को अनुभव होता है, माँ बाप अनुभवी होते हैं और बच्चे को जो है सिखाते हैं। अभी जैसे अच्छे माँ बाप भी होते हैं, खुद अनपढ़ रहे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात बताई गई, एक बाप गरीब बेचारा, बड़ा गरीब, उसकी बेटी बड़ी, उसको कहा बेटा अगर तू बड़ी हाई क्लास नंबर लेकर के फर्स्ट डिवीजन में पास होगी तो मैं तेरे को बड़े होटल में डोसा खिलाऊंगा। तो चला गया वो, ऐसे ऐसी बातों से रोना आता है लोगों की भावना देख करके। बड़े होटल में गया, वेटर आया, कहते हैं क्या आपको ऑर्डर करेंगे आप, सीधा बेचारा उसके कपड़े भी आ गए, गरीब आदमी, एक लड़की उसकी बड़ी होनहार, कहता मुझे एक डोसा दो बेटी के लिए। जब भावना अच्छी होती है ना तो भगवान प्रबंध कर देते हैं। हमारी भावना दूषित होती जा रही है, याद रखो, सभी की हम भावना का उत्थान करें, इस तरफ ध्यान दो। इस घटना से भी हम सीखो, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो बेटर को वो कहता है, बाप कहते हैं भाई एक डोसा, कहते आपके लिए, कहते मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी को वचन दिया था इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा पिता, अच्छी बेटी बेचारी, गरीब लोग। तो उस वेटर ने क्या किया, जाकर अपने मालिक को सुनाया, ऐसा ऐसा, मालिक भी अच्छा था, मालिक आ गया, उसने कहा आप भी यहाँ डोसा खाइए, फ्री में खिलाएंगे, बड़ा होटल में, और मिठाई बांध के दे दी, घर में बांट देना। वो लड़की जो बड़ी मेहनत करने वाली, वो IAS अफसर बन गई, कलेक्टर बन गई, कलेक्टर बन गई, वो भी अच्छी आत्मा, मेहनत की तभी तो वो, मतलब इतने नंबरों में पास हुई, अच्छी आत्मा ही थी। तो उस होटल में कलेक्टर बन के वो आ गई, आ गई तो उसने जाकर कहा, बोलो भाई कलेक्टर साहिबा आ रही हैं
होटल में, होटल में तो कलेक्टर आ रही है, इतने बड़े ऑफिसर साहब, तो मालिक भी आ गया होटल का, सब स्वागत कर रहे हैं। कलेक्टर कहती है आपने नहीं पहचाना मेरे को, कहते नहीं, कहते मैं क्यों हूँ, मेरे पिता हैं, हम यहाँ आए थे, मैं जब अच्छे नंबरों में पास हुई थी तो मेरे पिता ने मुझे यहाँ कहा था कि एक डोसा खिलाएंगे, और आपने फ्री में दिया था, और साथ में बांध के भी दिए थे डोसे, मिठाई बांध के दी थी, आप बड़े महान हैं। आज के दिन वो कलेक्टर कहती है लड़की, सारे होटल के कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं मेरी तरफ से मैं बिल दूंगी, और आपको, उस वेटर को, वेटर भी नेक था और मालिक भी, आपको मानवता का एक पुरस्कार दिया जाएगा, मैं दिलाऊंगी पुरस्कार कि आप इतने अच्छे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमें भविष्य को देखना है, अपने भविष्य को बनाना है, अपनी भावना का उत्थान करना है। आज हमारी भावना, किसी को चिंता नहीं है लेकिन इनको चिंता है, ये जो बैठे हैं यहां पर, अपने अंदर मैं देखूं तो कितना गंदगी मेरे को दिखाई देगी मेरे अंदर, लेकिन मैं देखना नहीं चाहता, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुंह से बात निकल जाती है। हमारा काम ऐसा है, याद दिलाना, जिनको प्रभुपाद मेरे पास भेजते हैं, परमात्मा भेजते हैं, उनको मैं याद दिलाता हूँ। एक आत्मा के गलत कर्म मैंने उसको याद दिलाया, भाई ये कर्म तूने किया है, कहते मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं सोचने से वो बुरे कर्मों से बच गया, मुझे जवाब दो, ये ना बैठे हुए सारे बच गया, जवाब दो, वो कर्म भोगने पड़ेगी उसको। लेकिन कितने मूर्ख लोग हैं, कितने बुद्धिहीन हैं, ये कह रहे मैंने सोचा ही नहीं, अरे मूर्ख नर्क में जाना पड़ेगा तेरे को, ये हालत हो गई है समाज की। और लोगों के सामने बखान करते हैं, बड़ी विद्वता का, बड़े विद्वान हैं, ये चीटिंग है, धोखा है, धोखे से भगवान नहीं मिलते। आज कैसे भगवान मिलेंगे, प्रभुपाद की कृपा से, मैं आपको बताना चाहता हूं ये आंदोलन क्या है, इसको समझो। कोई विद्वता की जरूरत नहीं, मुझे प्रभुपाद ने कहा और मैं उनकी कृपा से बड़े चमत्कार देख रहा हूं, बड़े चमत्कार देख रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सभी देखो। एक घटना घटी, देखो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के साथ खड़े हैं, ये स्वयं कृष्ण हैं, और ये कृष्ण राधा भाव में है, क्योंकि राधा जी का भाव सबसे बढ़िया भाव है, उत्तम भाव है, राधा जैसा कोई भक्ति नहीं है कृष्ण का, तो उसी भाव का रसास्वादन करने के लिए परमपिता चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। ये बड़ी कृपा है भगवान की हम पापी जीवों पर। और महाप्रभु जो हैं दक्षिण की यात्रा में, अच्छा दक्षिण की यात्रा में कल सुन रहे थे हम वर्णन भागवत से कि भगवान पहले आए वृंदावन में, फिर वृंदावन से भगवान वापस गए, फिर दक्षिण की यात्रा में गए, दक्षिण की यात्रा में भगवान श्रीरंगम गए। इस घटना को अगर आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो जीवन भाई सफल हो जाएगा। दक्षिण में जब गए महाप्रभु तो घटनाएं घटती हैं हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये संसार जो भक्त नहीं है ना वो मूर्ख है। ऐसा कहा है जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वही चतुर है, बाकी सब मूर्ख है, चाहे वो अरबपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे भिखारी है, कोई भी है, वो मूर्ख है। चतुर कौन है जो कृष्ण का भजन करता है। तो गौर भगवान की कृपा से ये लीलाएं घटती हैं, और ये लीला हमें बड़ी शिक्षाप्रद है, शिक्षा देने वाली। तो गौर भगवान ने क्या देखा, कुछ विद्वान ब्राह्मण जिन्हें सारी गीता कंठस्थ, उनको स्मार्त कहते हैं, दक्षिण में स्मार्त जो होते हैं बड़े विद्वान होते हैं। ये हरे कृष्ण आंदोलन क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, कृपया सभी ध्यान से सुनो और समझो। अगर आपके ध्यान में इनकी कृपा से आ गया तो भैया आपका जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकता है। कुछ विद्वान ब्राह्मण तीन चार जितने भी थे वो हंस रहे हैं, गौर हरि उनके पास गए,
कहते भैया आप लोग क्यों हंस रहे हो? उन्हें इशारा किया, देखो ये एक ब्राह्मण है, ये जो ब्राह्मण है ये अनपढ़ है, और गीता से हाथ में पकड़ी है कि जैसे पढ़ रहा होता है। ये घटना मैं पहले भी सुना चुका हूं, क्योंकि प्रभुपद कृपा से मैं ये समझ रहा हूं, इस घटना को समझना, जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। हम भटके हुए जीव हैं, भक्ति तो है नहीं, हम याद ही नहीं रखते जो अपने दुष्कर्म है। मैंने कभी सोचा भी नहीं, वाह बड़ा महान है तू, तुमने सोचा ही नहीं। बच जाएगा तू नरकों से, यमदूतों से बचेगा तू? कभी नहीं बच सकता, मार मार के दुर्गति कर देंगे, पर सोचा नहीं तूने। इतनी मूर्खता आ जाती है जीव में। ऐसे अनेकों घूम रहे हैं बड़े बड़े विद्वान और दुष्कर्म कर रहे हैं, पर्दे के पीछे देखो उनकी हरकतें उल्टी सीधी, बेकार के कर्म, और वो भी ये कह देते हैं हमने सोचा ही नहीं। अरे बेटा जब तुमको यमदूत ले जाएंगे ना, दुर्गति करेंगे, फिर तेरा गया तेरा बाप भी सोचेगा, सभी सोचेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। ये घटना मैं प्रभुपाद कृपा से बड़ी आवश्यक समझता हूं, बहुत आवश्यक। क्या हुआ कि गौर हरि जो हैं उस ब्राह्मण के पास गए जो अनपढ़ था बेचारा। परमपिता ने क्या देखा, वो अनपढ़ ब्राह्मण के हाथ में गीता है, उन विद्वान ब्राह्मणों ने, स्मार्ट ब्राह्मणों ने ये कहा कि देखो ये ब्राह्मण है पर अनपढ़ है, गीता हाथ में ऐसे पकड़िए जैसे पढ़ रहा है। भगवान उसके पास गए, उसके पास गए तो गीता उसके हाथ में बेचारे के पास, और वो रो रहा है, उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गौर हरि कहते हैं कि क्यों रो रहे हो तुम? कि गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं अनपढ़ हूं इसलिए रो रहे हो? कि नहीं नहीं नहीं, कि तो गुरु आज्ञा पाल, देखो आज्ञा कितनी महान है, अनपढ़ गुरु ने कहा गीता पढ़ना, तो गुरु आज्ञा पालन करने का अनपढ़ी गीता में आत्मनिर्भर है। कहते मैं पहले बड़े सफ़े पर, पहले पेज पर बाहर की तरफ देखता हूँ, गीता जब हाथ में लेता हूँ कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने भक्त और सखा के वो सारथी बन गए, इसी बात पे मेरे को रोना आ रहा है। तो महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण है स्वयं राधा भाव में। महाप्रभु ने क्या कहा उस समय, इन सब इन शब्दों को सब गांठ बांध के रखो और याद करो इन बातों को, जीवन जरूर सफल होगा प्रभुपाद कृपा से। उन्होंने कहा कि तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। अरे ये क्या कह दिया भगवान ने, अनपढ़ को गीता का पढ़ने वाला? हां, गीता का मर्म क्या है, गीता का मर्म सार क्या है? भाव भक्ति, उसका भाव जागृत हो गया है, और सारी गीता कंठस्थ भाव नहीं है उसी व्यक्ति के, उसी आत्मा के लिए। मैं कहता हूं बड़ा विद्वान बनता फिरता है, श्लोक याद कर लेता है, लोगों कितने लोग बेवकूफ बना दिए उसने, मैंने देखा, पर उसकी करतूतें बताओ तो उसने तो सोचा नहीं, पर यमदूत तो सोचेंगे भाई, यमदूत तो छोड़ने वाले नहीं है किसी को भी। उस आदमी के लिए ऐसे अनेकों हैं, अनेकों एक नहीं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये पता नहीं उनको कि एक दिन उनको बेवकूफ बनना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते थे तुम कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, तुम बहुत सारे आदमियों को बहुत समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन तुम सभी आदमी को हर समय के लिए, सभी समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। लोग जागृत हो जाएंगे, तेरे पर जूते मारेंगे तेरे सर पर, ऐसा हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हम जो पाषंडी जीव हैं, मलिन मन जिनके हैं, वो नहीं समझते इन बातों को। तो भगवान ने मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है, उन विद्वान ब्राह्मणों को पाषंडी या कुछ ऐसा कहा, अरे सारी गीता उनको कंठस्थ,
ऐसा भी प्रभुपाद के समय में एक जर्मन का भक्त आया, तो हमारा एक गुरु भाई उस भक्त को प्रभुपाद के पास ले आया। क्या प्रभुपाद इसको सारी गीता कंठस्थ है। प्रभुपाद ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके दर। अरे गीता कंठस्थ कर ली, श्लोक याद कर लिए, तेरे अंदर भाव ही नहीं जागृत हुआ, तू भक्ति नहीं बना, क्या लाभ इन चीजों का, सब बेकार, कोई लाभ नहीं होगा, और ऊपर से अपराध कर रहा है तू इतने। अरे अपराध कब समाप्त होंगे, जब भाव जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी, भक्ति माँ की कृपा से ही भाव जागृत हो सकता है। भक्ति निष्काम सेवा भगवान की हम जब करेंगे, निष्काम सेवा जब भगवान की हो गई तो निष्काम सेवा से क्या होगा, धीरे धीरे भाव जागृत होगा, एकदम भाव जब जागृत होगा, भावो विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। गीता में क्या भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। अर्थात मुझे प्रेम से कोई पत्र, तुलसी पत्र, फूल, तोयम पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मुझे देता है मैं स्वीकार करता हूं उसको। ऐसे है भगवान, इतने दयालु, और क्या भाई चाहिए, पानी भी बेचारे स्वीकार कर देते हैं वो। भाव कृष्ण को केवल भाव प्रिय है, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण, दूषित होने के कारण, हमारे मन मलिन होने के कारण, हमारे पूर्व जन्म के कर्म का बोझ हमारे सरों पर होने के कारण हम लोग भटकते रहते हैं, भक्ति नहीं करते। और देखो ज्ञान से भी लोग बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन ज्ञान से प्रभावित तो हो जाएंगे, ना उनका लाभ होगा ना तेरा लाभ होगा, लाभ तो भैया केवल भक्ति से होगा, और कोई रास्ता नहीं है लाभ का, कोई रास्ता नहीं है लाभ का, लाभ तो केवल भक्ति से होगा, बस निष्काम सेवा से। जैसे गीता में भगवान ने सारे योग वर्णन किए, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, सांख्य योग, सारे योगों का वर्णन किया, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम, मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति का क्या अर्थ है, सेवा, भक्ति शब्द जो है सेवा है, पर भक्ति केवल कृष्ण की हो सकती है और किसी की नहीं। भक्ति का भी स्वरूप है, भक्ति केवल कृष्ण की हो सकती है और किसी की भक्ति नहीं हो सकती है। क्यों, हम कृष्ण की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सारे जीव मेरे हैं, मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ है शरीर तो भाई नश्वर है, आज है और कल नहीं, ये तो नश्वर, लेकिन आत्मा का नाश नहीं है, हम तो आत्मा है, जीव जीवात्मा। लेकिन भगवान ये भी एक इंडिकेशन दे रहे हैं, भगवान कहते हैं मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति में स्थानी कर्षति। अभी हम प्राय क्या कर रहे हैं, छह इंद्रिय मन के साथ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और छठा मन, हम सब भगवान की प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको नियंत्रण करने में। जब हमें भक्तिहीन होने के कारण हमें यह पता नहीं है कि हम प्रकृति के अधीन हैं, हम प्रकृति के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं, लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। मैंने जो दुष्कर्म किए हैं, मैंने उनका कभी सोचा ही नहीं, वाह वाह कितना महान है भाई तू,
तेरी महानता इतने रंग खिलाएगी, पर अगर तू पहले समझ जाता है तो बच जाएगा भाई। नहीं समझता तो भैया फिर उसकी प्रतीक्षा करो। हाँ एक बात बड़ी और कही है, कहा है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। देर लगती है पर अन्याय नहीं होता किसी के साथ। तो ये है ये हरे कृष्ण आंदोलन। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है भाव और भक्ति का, मैंने देखा हरे कृष्ण आंदोलन में भी सारा जीवन इसमें बीत गया। 1974 में आए थे हम, लगा लो हिसाब कितने साल हो गए। उस समय हम 29 साल के थे, अभी कितनी उम्र हो गई। तो बहुत कुछ देखा इनकी कृपा से ही। ये हमारा बड़ा सौभाग्य कि ये हमारे गुरुदेव है और ऐसे संत भाई नहीं मिलेंगे। ये हमें मिले हैं, इनकी कृपा का हम सबको लाभ लेना चाहिए। इनकी कृपा का लाभ यह है कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति भी कैसी, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने की इनकी कृपा से। जो भगवान गौर हरि ने सिखाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित कृतोई। हे परमपिता मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहिए। सुंदरी स्त्री हो या असुंदर हो वो मर्द को ढूंढती रहती है और मर्द स्त्री को ढूंढता रहता है, चिंतन करते हैं एक दूसरा। यही बंधन है, यही नरक है। मेरा मन मलिन तो बड़ा है, स्त्री का चिंतन करता रहता है, लेकिन ऐसे संतों की कृपा से अगर मुझे नित्यानंद भगवान। एक और याद रखो बात, हम सब पापी जीव हैं, सब ने पाप किए हैं। कोई इंटरनेट में हो तो बाद में बताए, यहाँ कोई है जो ऐसा कहता मैंने पाप, मैं पापी नहीं हूँ, हाथ खड़ा करके बताए मेरे को। अच्छा कौन कौन पापी है ये बताओ, हाथ खड़ा करो, मैं भी आपके साथ में हूँ। हम सब पापी हैं लेकिन हम समझते नहीं पापी, अपने आप को महान समझते हैं। क्यों? अंदर गंदगी है बड़ी, अंदर गंद भरा हुआ है। जब तक गंद नहीं निकलेगा ना तो विनम्रता नहीं आएगी। जब तक गंद नहीं निकलेगा तो हम अहंकारी बने रहेंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं अपनी बुराइयों का। वहां बड़ा महान भाई तो मुझे बार बार उस व्यक्ति की उस आत्मा की बातों का, और वो आत्मा मैंने देखा उसको लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। अनुजाई बन जाते हैं लोगों को क्या पता है, क्योंकि श्लोक बोल देता है, इधर उधर से बोल देता है। लोग कहते भाई ये बड़े विद्वान हैं बातें, अरे बातों में निपुण होने से भगवान नहीं मिलते, भाव और भक्ति में निपुण होने से भगवान मिलेंगे। याद रखो अभी जैसे दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, बड़े विद्वान थे, वो ब्राह्मण थे सारे, पर उसी दंडक वन में दंडकारण्य में एक औरत भी रहती थी, वो थी शबरी। शबरी कैसी थी, विद्वान कुछ नहीं जानती, अछूत भीलों की कन्या थी, अछूत थी। उसकी बात अभी सुनाऊंगा नहीं, समय नहीं है। लेकिन भगवान जब दंडकारण्य में आए, वहां ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की। भगवान कहते हैं यहां शबरी कहां रहती है, और कौन है वो शबरी, अछूत स्त्री जिसको छूने से भी नहाना पड़ता है। और ऋषि मुनि साहब ऐसा ही सोचते थे, बड़ी बेचारे को कष्ट दिया। लेकिन वहां भी एक मतंग ऋषि थे, महान थे मतंग ऋषि जो थे, उन्होंने उसको अपनाया और कृपा की, बेटी तेरे पास राम आएंगे, मैं जा रहा हूं धाम में। धन है पतंग ऋषि, समय आने पर राम जी आए शबरी के पास। ऋषि मुनियों के पास किसी के, ब्राह्मणों के पास नहीं गए, विद्वानों के पास नहीं गए। लेकिन जब तक कोई समझाने वाला नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता, समझाने वाले ये बैठे हैं प्रभुपाद। तो
भाव भक्ति जागृत नहीं हुआ, जीवन बेकार हो गया। भाव जागृत हो गया तो वहाँ भगवान शबरी को क्या कह रहे हैं, हम खाने के लिए तो त्रिलोकीनाथ भगवान राम, तो बेचारी भोली वाली है, उसने क्या देखा कि वन में बैर थे, बेर, बेर जो होते हैं फल होते हैं जंगली बेर, वो लाके रखे थे उसने कुछ, चखे बेर को, क्यों चखे भाई, भगवान को जूठा देते हैं पर कहीं खट्टा ना हो, बेर खट्टे भी होते हैं, हम भी बचपन में जंगल में जाते थे बेर खाने के, कोई बेर मीठे हैं कोई खट्टे हैं, चखे अगर तो वो मीठा राम जी को दे दे, खट्टा हो तो फेंक दे, भगवान खा लेंगे तो बड़ा स्वाद है इनमें। ये है हरे कृष्ण आंदोलन जो प्रभुपाद ने दिया भाव को जागृत करने का, उससे लोग प्रभावित हों। अभी देखो उस समय के जितने भी ऋषि समाज था, दंडक वन में रह रहा था, कोई प्रभावित नहीं था शबरी से, खाली मतंग ऋषि प्रभावित थे, क्योंकि मतंग ऋषि एक महान भक्त थे, वर्णन आता है, और उनको भी शबरी कैसे मिली थी, शबरी की जब उन बेचारी का तिरस्कार हो रहा है सब जगह से, कोई जंगल में रह रही है तो अच्छा ये ऋषि मुनि भक्ति करते हैं, मैं इनकी सेवा करती हूँ, बेचारे भोलेपन से ऐसा सोच रही है, दिन भर में लकड़ियाँ काटे और शाम को ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे रख दे, लकड़ियों के गट्ठे रख दे। मतंग ऋषि ने देखा भी कौन रख देता है रोज, कौन ये चोर है जो सेवा चला रहा है, तो मतंग ऋषि ने बोला पता करो इसका, पहरा दिया उनके शिष्यों ने, रात को आई बेचारी पकड़ लिए, कहने फिर नहीं आऊंगी, कहने चिंता नहीं तुम करो, हमारे गुरु जी से मिलना चाहते हैं। मतंग ऋषि ने पूछा था बेटी तू कौन है, सारी बात बताई, मैं अछूत हूँ, ये कहते तू अछूत नहीं है, तू बड़ी महान है, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ राम नाम की, और ये भी आशीर्वाद देता हूँ बेटी कि ऋषि मुनि राम जी को ढूंढेंगे, राम जी तेरे को ढूंढेंगे, ये होता है गुरु का आशीर्वाद, राम जी तेरे को ढूंढेंगे, और वो ही शबरी जूठे बेर भगवान को खिला रही है, राम जी खिला रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, जिसको स्वयं पहले भगवान गौरहरि ने, जो बेचारे खड़े हुए हैं हाथ करके, सबको कह रहे हैं समर्पण करो कृष्ण के चरणों में, कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य के रूप में कह रहे हैं समर्पण करने के लिए, समर्पण करो और जीवन को सफल करो, ये पहले उन्होंने शुरू किया। लेकिन हम कलयुग के लोग इतने पतित हैं, भूल गए, फिर भूल गए, कई आचार्य प्रकट हुए, भक्ति मनोहर ठाकुर आए बेचारे, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बड़े बड़े आचार्य आए, प्रयास करते रहे बेचारे। इन आचार्यों का काम क्या है कि ये जो हम पतित लोग हैं, आवागमन में जो जा रहे हैं, जन्म मन के चक्र में जो पड़े हुए हैं, इनका जन्म मन का चक्र छूटे, वो भैया काली भक्ति अंगीकार करने से ही छूट सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। सबने प्रयास किया, फिर इनको भेज दिया भगवान, लोग नहीं समझे, देखो महाप्रभु कितने दयालु हैं, इनको भेजा और इन्होंने इस आंदोलन को स्थापित कर दिया। अभी लेकिन फिर विकृति आ रही है, फिर दोष आ रहे हैं। एक जगह एक भक्त पैसे इकट्ठे कर रहा, कमीशन लेता हूँ, तो वहाँ का जो इंचार्ज है वो आधा इंचार्ज था, उसके ऊपर दूसरा था, मैंने कहा भाई इनको समझाना चाहिए, मैंने उसको कहा भाई कि पैसे नहीं देने चाहिए, कहते उस बड़े को खाओ दूसरे नगर में रखा है, उसको भी समझाया, कहते बात तो ठीक है, उसकी बेचारे की समझ में नहीं आया, शरीर ही छूट गया, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा भाई ये भक्ति प्रभुपाद जी ने निष्काम दी है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, जब तक कामनाएं हैं वो कामनाएं पुनः संसार में ले आएंगी, लाभ प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की, स्त्री संग की, पुरुष के संग की, कुछ भी भौतिक इच्छा हुई तो पसंद मान संसार में वापस ले आएगी, पर अगर भगवान को पाना है
निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बस आप बस भाई, अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए ना तो सब कुछ आ जाएगा उसमें। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए कुछ भी नहीं आया। अभी जैसे कई कईयों ने देवी देवताओं को प्रसन्न किया। अभी जैसे किसका उदाहरण है, कौन था वो राक्षस, कौन सा राक्षस था जो शिव जी का भक्त था, लेकिन जब भगवान राम ने, रावण का उदाहरण ले लो, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन राम भगवान ने जब मारना चाहा उसको, शंकर नहीं बचा सके, जबकि महादेव है वो, बड़ी ताकत। शिव जी के वरदान पर रावण को बड़ा अहंकार था। आकर हुआ क्या, राम जी ने मार दिया उसको, शंकर नहीं बचा सके। तो हमें केवल कृष्ण ही हमारा आवागमन छुड़ा सकते हैं, हमें जन्म मरण के चक्कर से बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता, इस बात को याद रखो। और कोई कठिन नहीं है भगवान को पाना, केवल भगवान की निष्काम भाव से सेवा करनी है। अब जैसे विकराल यहाँ प्रभुपाद कृपा से मंदिर में, घर में ही, एक ये भी एक कथा आती है, एक स्त्री थी, माता थी, बड़ी भक्त थी, वो चित्र पट मूर्ति में नहीं है, भगवान का चित्र है, उसकी पूजा करती थी वो, और पूजा करती थी उस चित्रपट की, और उसमें से भगवान के दर्शन उसको हो गए। सेवा करनी भाई भगवान, अरे भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान है। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन जो घटना घटी दक्षिण भारत में, महाप्रभु ने ये कहा उस अनपढ़ ब्राह्मण को कि तुम ही पढ़े लिखे हो, तुम ही गीता के श्री पढ़ने वाले हो, ये पाषंडी हैं, बेकार हैं, ये महाप्रभु की शिक्षा है। इस घटना के माध्यम से अपने भाव को जागृत करो, बस विद्वान बने। और देखो महाप्रभु ने कृष्ण रूप में तो गीता का गायन किया, व्यास देव उन्हीं के अवतार हैं, सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन जब भगवान चैतन्य रूप में आए, अपने भक्त के रूप में आए, खाली 8 श्लोक कहे। हरि बोल, नींद आ रही है ना, खाली 8 श्लोक लिखे, 8 श्लोक लिखे जिन्हें शिक्षाष्ट कहा है, सबको ये श्लोक याद करने चाहिए। पहले श्लोक में कहा कि शुद्धि करो अपनी, चेतो दर्पण मार्जनम, उसमें एक श्लोक भगवान ने ये कहा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता मा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयि, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं, अनुयायी नहीं चाहिए। लोग सब अनुयायी बनाना चाहते हैं, अनुयायी बन गए, बेवकूफ बना के, कब तक बनाओगे मूर्खो, उनसे माँ मंगवा लिया कुछ ना कुछ, पैसे वाले लोग अनुयायी बन गए। वो लोग बहुत बड़ी अविद्या में हैं जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनको तो ऐसा मूर्ख बनना पड़ेगा। भगवान सबको छूट देते, जाओ करो तुम जो करना है, लेकिन बेटा फिर मैं जब तुम्हारा वो रस्सी खींचूंगा ना, तेरी दुर्गति हो जाएगी। भगवान ने रावण को भी छूट दे रखी थी, रावण को जैसे वो होते हैं ना, वो पुतलियों को नचाते हैं, ऊपर रस्सियों से पुतलियों को नचाया जाता है, ऐसे हमारी रस्सी भगवान के हाथ में है। अगर हम कुछ गलत काम करना चाहते हैं, कर मैं तेरी इच्छा है कर, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। संत समझाते हैं परिणाम, तो वो सोचता देखा जाएगा, जब देखना पड़ेगा तो बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जीवन काल में भाव को जागृत करो, भक्ति करो, बस सब सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है भक्ति, निष्काम सेवा भगवान की करो। और किसी के पास अगर मूर्ति भी नहीं है ना कृष्ण की, तो वो भगवान चित्र जो होता है, चित्रपट कहते हैं उसमें, वो भी सेवा स्वीकार करते हैं। यही तो भगवान की सर्वशक्ति है, भगवान सर्वशक्तिमान है, यही भगवान की सर्वशक्ति है कि वो चित्र हर प्रकार से
कैसे भी कोई उनकी भक्ति करेगा उसको अंगीकार करेंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत कुछ दिया है, पर सबसे बड़ी देन प्रभुपाद की भक्ति है। आपको जो लोग मतलब कन्विंस नहीं होते वो भक्ति नहीं करेंगे। उनके लिए प्रभुपाद ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर ग्रंथों की जरूरत उन लोगों को है जो कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं मानते हैं। जो कृष्ण को मानते हैं, हमें ग्रंथ पढ़ने में, मुझे प्रभुपाद ने कहा था, ज़्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि विद्वान बन के तो अहंकार आ जाएगा, ज्ञानी अभिमानी कई देखा गया प्राय ऐसा होता है। भक्त बन गए, भगवान साथ साथ चलते हैं अपने भक्तों के, जैसे शबरी के साथ हो गए भगवान, ऐसे कई ऐसे भक्त हुए भगवान के, हरिदास जी के साथ साथ थे भगवान, हरिदास ठाकुर जी कलयुग में थे, यवन कुल में वो आए, कृष्ण उनके साथ साथ में है। तो भाव को जागृत करना है, ये प्रभुपद प्रेरणा से मैंने आपको बताया है, और जो कुछ मैंने सीखा उनसे बस यही है। प्रभुपद बड़े भाव से भरे हुए थे, कई बार वो भावुक हो जाते थे, पर विद्वान भी बड़े थे। विद्वान इसलिए कि भाई इन विदेशियों को समझाना था, भाव था, विद्वता थी, लोगों पर प्रभाव पड़ा, लोगों का जीवन बदल गया। खाली विद्वता होती, भाव नहीं होता तो लोग थोड़ा विजयी बनते। बड़े बड़े विद्वान जाते हैं विदेशों में, और फिर वो जैसे एक बार एक मैगजीन में एक फोटो आया विदेश का, वहाँ पर विदेशी औरतें जो है ना, बेशर्म है बेचारी, बिल्कुल बेशर्म। लेकिन प्रभुपाद ने उनको भी कपड़े पहनना सिखा दिए, उनको भी शर्म सिखाई। तो गया होगा, उसका फोटो छपा एक मैगजीन में, और मैगजीन में मैंने फोटो देखा, क्या तीन चार औरतें उसके आगे पीछे हैं, कोई इधर से चिपकी हुई है, कोई इधर से है, वो हंस रहा है, नरक में ले जाने के लिए तेरे को तैयार है, हाँ वो जाने के लिए तैयार है। तो लोग प्रायः जो है ना औरतों के शिकार बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, और औरतें जो है ना चाहती हैं उनको, और वो नरकों में जाती हैं और साथ उनको भी ले जाते हैं। बस प्रभुपाद जी हमें बचाने के लिए आए हैं, हमने बचना है और प्रचार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को हो तो पूछ लो मेरे को, जो मैंने कहा, और मैं फिर प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ता हूँ, शिक्षामृत। प्रश्न तो नहीं है कोई, है बोलो, देर लग रही है तो ये शिक्षामृत पढ़ लूँ, प्रभुपाद जी के शिक्षामृत। आज गुरुवार 3 दिसंबर, मैं भगवान को देखता हूं और इसलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूं, क्यों वे उन्हें नहीं देख पाते, उन्हें मेरे पास आना चाहिए जिससे मैं उनको आंखें खोल सकूं, वे अंधे हैं और मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, मैं उनका ऑपरेशन करूंगा और फिर से देख पाएंगे। देखो, आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाए, लॉस एंजलिस में 3 दिसंबर को कहा था प्रभुपाद ने, मोतियाबिंद जब आंख में आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, तो मोतियाबिंद को ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। तो ये मोतियाबिंद क्या है? हमारी आंखें दूषित हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, हम भगवान को नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भगवान को देखता हूँ। वो कैसे देखते हैं? शुद्ध भक्त हैं भगवान के, हर जगह देख रहे हैं उनको। अब बोलो, आप कहो वो कैसे देखते हैं? अगर भाई वो हर जगह भगवान को नहीं देखते तो 1965 में समुद्री जहाज में कैसे अमेरिका जाते, कैसे जाते, और वहाँ पर $7 लेकर उन्हें देखा भगवान साथ में है, सब जगह भगवान है, उन गोरों में भी भगवान है।
तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं इसलिए मैं उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं भगवान को देखता हूँ तो अर्पण करता हूँ भोग भगवान को, क्योंकि वे उन्हें नहीं देख पाते, आम लोग नहीं देख पाते, उन्हें मेरे पास आना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं, जिससे मैं उनको उनकी आंखें खोल सकूं। हमने जैसे शब्द है अंदर के पट खोल मनवा, अंदर के पट खोल, हम लोग बहिर्मुख हैं, हमने अंतर्मुख होना है। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, कृष्ण सभी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर के पट नहीं खुले, अंदर की आंखें नहीं खुली, बाहर की आंखें देख रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ, भौतिक वस्तुओं को देख रहे हैं तो भगवान को नहीं देख पा रहे। तो हमने अंतर्मुख होना है, भक्ति के द्वारा निष्काम सेवा करके ही ऐसा किया जाएगा। और यही प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास आना चाहिए, मैं उनकी आंखें खोल सकूंगा, खोल सकूं, वे अंधे हैं जो भक्त नहीं है, जिनकी आंखें इधर उधर मटक रही हैं वो अंधे हैं। और फिर प्रभुपाद ने मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, आंखों में जब मोतियाबिंद यानी कि बुराइयाँ आ जाती हैं, मोतियाबिंद की तुलना बुराइयों से है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सरी दंभ कपट, तो पीड़ित हैं, मैं उनका ऑपरेशन करूँगा, ये बुराइयों को जुर्म। अभी देखो प्रभुपाद जी ने चार नियम बताए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं, तीसरा नियम पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, चौथा नियम जुगानी खेलना, सच बोलना, सुबह चार बजे से पहले उठना, और भगवान की में इसी से हमारे अंदर के पट खुलेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे। सब नियमों का पालन करवा दिया प्रभुपाद ने अपनी शक्ति से, और बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया, अनगिनत लोगों का बदल गया। हरे कृष्ण, जब आपकी बारी हो आप भी थोड़ा प्रेम से बोल दिया करो, हरे कृष्ण, धन्यवाद। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रोज की अनेकों चमत्कार हैं, आपकी कृपा के एक चमत्कार कल का बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, कल मन में कुछ बात चल रही थी और आपसे पूछ रही थी, उसी क्षण आप मेरे सामने थे और आप मुस्कुराते हुए आपने स्वीकृति दी। गुरुदेव, आप बड़े ही दयालु हो, आप करुणा के भंडार हो। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से सुना है कि शिला प्रभुपाद जैसे संत भूतों न भविष्यति। मेरे गुरुदेव, मैंने प्रभुपाद के दर्शन नहीं किए पर आप जैसे संत भूतों न भविष्यति। गुरुजी, आपकी एक एक वाणी सार्थक हो रही है, हम सब कोशिश कर रहे हैं आपकी कृपा पर आश्रित होकर कि सूरत में निष्काम मंदिर जल्दी से जल्दी स्थापित हो। गुरुदेव जी, आपके चमत्कार नित्य प्रतिदिन अनुभव हो रहे हैं, आपके मुखारविंद से कहे हुए शब्द एक एक सच हैं, ये रोज महसूस हो रहा है। गुरुजी, सच बताऊं, मैं बहुत पापीन हूं, बहुत ही गंदी हूं, पर गुरुदेव आपने हमारे कर्म काटने का एक मौका दिया है कि निष्काम मंदिर स्थापित हो। गुरुदेव, आप मौका दे रहे हैं पर मुझ जैसे बेकार, आप मौका दे रहे हैं पर मुझ जैसे बेकार नहीं लाभ ले रहे। आप जैसे संत के दर्शन मात्र से हमारा जीवन सार्थक हो गया, पर मेरा मन बहुत गंदा है, मैं दोषों से भरी हुई हूँ, आप इतनी कृपा दे रहे हैं, मुझ जैसे मलिन मन वाले आपकी कृपा को ले नहीं पा रहे। गुरुदेव, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं। हरे कृष्ण। बेटा, पूर्णम माता, हम सभी का यही हाल है, हम सभी गंदे हैं, कोई अच्छा नहीं, पर तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है अपना, ये अच्छा है। लेकिन देखो, भगवान गीता में कह रहे हैं अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य बाक, साधु रेव समन्ता व्या सम्यक व्यवस्थो हिसा। किसने कितना भी पाप कर्म क्यों नहीं किया है, दुराचार किया है, वो सब छोड़ के मेरे को जब भजन करता है उसको साधु समझो। हम सब पापी हैं, ये रियलाइजेशन होना पूनम माता बहुत अच्छी बात है। मैंने तेरे को एक आदमी की बात सुनाई, वो मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो सुधरा है, पता नहीं, भगवान कृपा करेंगे। मैंने तो भाई प्रयास किया, अभी मैंने हाथ खड़े कर दिए उस आदमी के लिए,
क्योंकि वो समझने वाला है नहीं, उसमें इतना अंदर पोल्यूशन है जो ये कहता है कि मैंने अपने बुराइयों के बारे में सोचा ही नहीं। बेटी तेरे अंदर ये बात आई कि मैं बड़ी पापन हूँ, बड़ी ऐसी हूँ, तो ये कृपा है। और जो ये सोचता है मैंने सोचा नहीं, उस पर भगवान बिल्कुल दयालु नहीं है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये अच्छी बात है बेटिया, और बस हर समय स्मरण करो, भगवान की सेवा में लगे रहो। हम कलियुग में प्रभुपाद ने कहा कि हम सबसे कुछ ना कुछ पाप तो हुए हैं, पापियों की लिस्ट में मैंने भी अपना हाथ खड़ा किए, हम सभी, ये नहीं कि मैं गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ मैं कि एक दिन भक्त बन जाऊँ, मेरा प्रयास है। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज एक बहुत ही अच्छी आत्मा मंजुला माता जी का जन्मदिवस है, वह भक्ति मार्ग में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही हैं और सूरत में बन रहे निष्काम मंदिर में भी बहुत हृदय से सहयोग कर रही हैं। कृपा आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंजुला माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। प्रभुपाद जी गौर निताय पंच तत्व राधा कृष्ण तेरे पर कृपा करें, तुम्हें भक्ति का दान दें, तुम भक्ति में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो और भक्ति का वहाँ प्रचार करो, जीवन सफल करो। धन्यवाद मंजुला माता। कैलाश महतो और अनीता देवी रांची झारखंड से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से आज बहुत बड़ी घर के मंदिर में लीला हुई, हमारे राधा कृष्ण भगवान ने आज घर के मंदिर में भगवान ने साक्षात भोग ग्रहण किया, हम तो इतने पतित हैं फिर ये लीला कैसे। अरे भाई, साक्षात भोग और डिटेल में लिखना, भगवान ने ग्रहण किया, ये उनकी कृपा है। भगवान तो पतित पावन है, सब पर कृपा करने वाले हैं। कैलाश जी और आप, उनकी आपकी धर्मपत्नी, ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम पतित हैं, कैसे हो गया, भगवान बड़े कृपालु हैं, दयामय हैं। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी को सुनने के लिए कान तरस गए थे, आपकी अच्छी सेहत के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सबको निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दो। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। सोनिया माता, तुम्हारा धन्यवाद, कृपा करें। मैंने सोनिया माता, दो दिन से एक दवाई खा रहा हूँ, तो दवाई ने थोड़ा सा असर हुआ। आज मैं सुबह जब कर रहा था तो प्रभुपाद की कृपा से मुझे ऐसी प्रेरणा हुई, शक्ति हुई कि आज मैं मंदिर में जाऊँ, तो प्रभुपाद कृपा से मैं यहाँ आ गया। जब मैंने जाने का सोचा तो मुझे एकदम सर दर्द शुरू हो गई, लेकिन मैंने कहा कि प्रभुपाद बस उनकी कृपा से मैं यहाँ आ गया, ये साक्षात प्रभुपाद कृपा है। मनीषा शर्मा माता अटलांटा यूएस से, जय श्री गुरु महाराज जी, सो नाइस टू सी यू डूइंग वेल। हनुमान जी महाराज एंड श्री श्री नरसिंह भगवान आपको और शिला प्रभुपाद आश्रम के सब भक्तों को स्वस्थ रखें, प्रेइंग फॉर यू ऑल। जय शिला प्रभुपाद, हरे कृष्ण। मनीषा जी, धन्यवाद मनीषा माता तेरा, हरे कृष्ण। सोनिया सोनी माता बरसाना से, हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आप कहाँ चले गए थे, कितना मिस आपको किया, अजीब सा लगता है आपके बिना, राधे श्याम सदा मेरे गुरुदेव को स्वस्थ रखें, यही प्रार्थना है राधे श्याम के चरणों में। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ब्रज यात्रा कुशल में आनंद में पूरी पूर्ण हो गई थी। धन्यवाद सोना सोनिया माता, सोना सोनी है ना, सोनिया सोनी, सोनिया सोनी, सोनिया सोनी, धन्यवाद। और स्वस्थ ठीक नहीं था मेरा माता, इसलिए नहीं आ पाया, अभी भी इतना ठीक नहीं है, पर आज प्रभुपाद जी ने मुझे शक्ति देकर यहाँ भेज दिया कृपा करके। हरे आकुति माता कनाडा से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपको देखकर आज शिव मोहन कह रहा है,
महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए और डांस करने लगा। शिमोन कह रहा है, शिमोन तुम्हारा धन्यवाद, तेरे पर प्रभुपाद कृपा करें और तू बहुत अच्छा भक्त बने भगवान का और खूब प्रचार करे। अवतार कृष्ण प्रभु यूएसए और जानकी जीवन प्रभु वैंकूवर से, इन दोनों का एक जैसा प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं कि दामोदर मास में एक दामोदर लीला की थी भगवान ने, कार्तिक मास में हैं? कार्तिक मास में दामोदर लीला की थी भगवान ने, तो वो एक ही दिन की थी, तो हम पूरा महीना क्यों उसको सेलिब्रेट करें? ये पूरा महीना जो है भगवान इस महीने हुई थी तो वो ये महीना पूरा डेडिकेट किया है भगवान को। एक दिन की तो भगवान की कृपा से पूरा महीना ही शुद्ध हो गया। सारा पूरा महीना शुद्ध हो गया कृष्ण कृपा से, ताकि हम लोग भगवान को याद करें और उनकी कृपा की याचना करें। दिनेश प्रभु सूरत से, महाराज जी आपके दर्शन पाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके दर्शन रोज होते रहें, आपका दास दिनेश सूरत से। धन्यवाद दिनेश जी आपका, प्रभुपाद कृपा करें और आप भक्ति में खूब आगे बढ़ो। विजय गंगवानी जी जयपुर से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आपका स्वस्थ अच्छा रहे, हरे कृष्ण। धन्यवाद विजय जी आपका, प्रभुपाद जी आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति वृद्धि हो और आप अपना जीवन सफल करो। हरे कृष्णा। तो सभी इंटरनेशनल लिसनर और व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई हो। आज गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से हम सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। तो आज दिल्ली से श्याम सखी माता जी ने, उनकी बेटी का कल कुछ उत्सव था तो उसके लिए सेवा भेजी थी, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। प्राण गोपाल प्रभु जी ने गयाना से, उन्होंने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रिबोल। तुलसी माता जी मॉरिशस से, जिन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रिबोल। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को